सभी मित्रों को सादर जय जैन और नमस्कार। मैं अशोक जैन, मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सूर्य देव को हम प्रतिदिन देखते ही हैं, इसी से हमारी सृष्टि चलती है। सुबह सूर्य देव आते हैं तो मन प्रसन्नचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, पूरा वातावरण जगमगा उठता है। हम सभी एक दूसरे से अभिवादन करते हैं। मित्रों, सूर्यदेव से भी हम कुछ बातें सीख सकते हैं। आइए हम 6 बातों पर चर्चा करें। सबसे पहले, सूर्यदेव जब भी आते हैं वे कभी नहीं कहते कि लो मैं आ गया। वे धीरे से आते हैं पर उनकी एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है। उनकी धमाकेदार एंट्री से ही पूरा जग प्रफुल्लित हो जाता है। सभी एक दूसरे को अभिवादन करने लगते हैं, पशु पक्षी भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, समस्त जीव जगत आनंद का वातावरण छा जाता है। दूसरी बात मित्रों, सूर्यदेव सदैव सतत प्रगति विकास के पथ पर चलते रहते हैं। धीमे धीमे चलते हैं पर सदैव उनके प्रयासों में प्रगति दिखती है, विकास दिखता है। यही हमने भी करना चाहिए। सदैव हम धीरे धीरे चलें पर विकास और प्रगति के पथ पर चलें। तीसरी बात, सूर्यदेव जब अपने चरम स्तर पर रहते हैं तब वे पूरी दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। देखिए आप कि 12 बजे जब सूर्य चरम सीमा पर रहता है तो वो प्रकाश भी चरम देते हैं, एनर्जी भी चरम देते हैं और वो सबको देते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता कि इसको कम दें या इसको ज़्यादा दें। यही हमारे साथ भी होना चाहिए। जब हम उच्च स्तर पर पहुंच जाएं, तो हम अपने में नहीं रहें, उसे सदैव सभी को बांटते रहें। चौथी बात, तमाम अवरोधों के बावजूद सूर्यदेव अपनी उपस्थिति का एहसास बनाए रखते हैं। आपने देखा होगा दिन में कई बार बादल छा जाते हैं, बारिश के दिनों में भी बादल छाए रहते हैं, पर हमें सूर्यदेव की उपस्थिति का एहसास सदैव बना रहता है। इसी प्रकार मित्रों, हमारे जीवन में भी, हमारे व्यवसाय में भी अड़चनें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, पर हम अपनी उपस्थिति का एहसास बनाए रखें। पाँचवीं बात मित्रों, सूर्यदेव अनवरत चलते ही रहते हैं, कभी नहीं रुकते। उनकी गति सदैव चलायमान रहती है, उनकी गति रुक जाए, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी स्वयं को गतिशील बनाए रखें, सदैव चलते रहें। और अंतिम बात मित्रों, रात्रि विश्राम के बाद सूर्यदेव पुनः उसी ऊर्जा से हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। हमें भी कई बार क्षण आते हैं, कई हमारे लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। क्षणिक विश्राम तो करते ही हैं पर तुरंत हम वापस पुनः उतनी ही ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ हम वापस अपने काम पर लग जाएं। तो मित्रों, अगर हम सूर्यदेव की इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे, अपने जीवन में अनुपालन करेंगे, तो निश्चित भी हम सफल और सुखी रहेंगे और आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।